जीएसटी इनवॉइसिंग एंड फाइलिंग करना है आसान। बुककीपर के साथ 1 लाख बिजनेस ओनर्स का भरोसेमंद साथी। आज ही ऐप डाउनलोड करें और पाएं 14 दिन फ्री ट्रायल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजों की गिनती आज यानी कि 11 फरवरी को जारी है। अब तक के नतीजों को देखिए, साफ जाहिर है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पकड़ मजबूत होती दिखाई दे रही है। जहां दिल्ली के दिल में अरविंद केजरीवाल का बसेरा है, वहीं पिछली बार के मुकाबले बीजेपी थोड़ी ही सही मगर बढ़त हासिल करने में कामयाब हुई है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे कारण जिनके चलते दिल्ली में भाजपा मजबूती के साथ उभरने में नाकामयाब साबित हुई। दिल्ली के लिए सीएम चेहरा नहीं। दिल्ली में भाजपा के इस बार भी पिछड़ने की सबसे बड़ी वजह है दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा न होना। दिल्ली वालों के कानों में पीएम मोदी के नाम का शोर तो है, मगर आंखों में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं। टिकट बंटवारे से असंतोष, कई विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों को लेकर आपसी मतभेद और नाराजगी भी बीजेपी की कमजोर कड़ी मानी जा सकती है। इसके अलावा कई विधानसभा सीटों के लिए गलत प्रत्याशियों का चयन भी भाजपा की हार की अहम वजह है। नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल। नगर निगम एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर विपक्षी पार्टियां अक्सर भाजपा को घेरती हुई नजर आई हैं। इतना ही नहीं, नगर निगम के कामों को लेकर कई बार जनता में भी रोष देखने को मिला है। वोट बैंक में सेंध, सीलिंग, जीएसटी, बाजार में मंदी और अर्थव्यवस्था में सुस्ती, ये कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन पर दिल्ली का व्यापारी वर्ग बीजेपी से काफी नाराज आया है, जिसके चलते दिल्ली में भाजपा का व्यापारी वोट भी कम हुआ है। अकालियों से गठबंधन टूटना। दिल्ली में एक बड़ा समुदाय है सिख वोटों का, जिसके लिए भाजपा कोई सही चेहरा चुनावी मैदान में उतार नहीं पाई। इसके अलावा भाजपा ने सिख वोटों के लिए जिस अकाली दल का सहारा लिया, चुनाव से पहले उसे समझौते को भी तोड़ बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।